लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की ये रिकॉर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बज रही है। वैसे हनुमान चालीसा का पाठ कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये मामला महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत दूसरे कई राज्यों में एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। अब महाराष्ट्र की तरह उसी वक्त पर हनुमान चालीसा का पाठ, ये मुद्दा यूपी में भी दस्तक दे चुका है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान बापी मुक्ति आंदोलन की ओर से इसकी शुरुआत साकेत नगर इलाके से हुई। लोग हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं और उसी तर्ज पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। काशी में लाउड स्पीकर आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह के मकान पर लगाया गया है। इस मामले में सुधीर सिंह कहते हैं, अजान के वक्त अब इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि हमारा मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ना नहीं है। काशी में ही ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रोच्चार शुरू हो जाता था, इसमें हनुमान चालीसा भी होता था। दबाव के चलते लाउड स्पीकर पर पूजा पाठ बंद हो गया। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद मंदिरों से लाउड स्पीकर पर पाठ और मंत्रोच्चार बंद हो गए, लेकिन मस्जिदों पर ये लाउड स्पीकर उसी तरह लगे रहे। अब सुबह अजान की आवाज आती है तो हनुमान चालीसा की भी आएगी। बहुत सारे मसाजिद को पुलिस के तरफ से एक नोटिस जारी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि इतने डीबी में साउंड रखना चाहिए, आप अगर उल्लंघन करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की नोटिसें मिली हुई हैं। हम वही शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम जो कानून सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बनाया गया है उस पर पालन करने ही के लिए हमने डिवाइस तैयार किया है, ताकि किसी भी तरह किसी को तकलीफ ना हो और साउंड जितने डीबी में होना चाहिए उतने में हम कंट्रोल कर सकें। तो ये जो नोटिसें दिए गए हैं तो उसके हिसाब से मस्जिद वाले भी इन बातों पे अमल करेंगे, और इसी तरह मंदिरों के लिए भी शायद नोटिसें जारी हुई हैं तो वो भी उस पर अमल करेंगे। सब अगर अमल कर लेते हैं तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़ा एक अन्य मामला अलीगढ़ से भी है। यहाँ एबीपी के पदाधिकारियों ने शहर के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने के लिए एसडीएम सिटी को सूचना पत्र भेजा है। इसके जरिए एसडीएम सिटी से धार्मिक जन जागरण में सहयोग करने की अपील की है। एबीपी ने 21 चौराहों की सूची भी सौंपी है और कहा है सुबह शाम इन लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ सुनाया जाएगा। धार्मिक त्योहारों पर इनका और भी इस्तेमाल होगा।